हेलो फ्रेंड, तो क्या आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं? ये वाला नहीं, ये वाला सफर। तो इसके लिए ये दो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद ट्रेन में सफर के दौरान आपके पास वैलिड आईडी कार्ड जरूर होने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं छोटे बच्चों से संबंधित इंडियन रेलवे के रूल्स के बारे में। अगर आप मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो IRCTC कनेक्ट ओपन करके बायोमेट्रिक लॉगिन कर लें। देखिए, सिंपल सा नियम ये है कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए सेपरेट सीट चाहिए तो आपको सीट के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बच्चे अगर आपकी सीट में बैठे तो नियम ऐसे लागू होंगे। अब कई बार ट्रेन टिकट में बच्चे का डिटेल होता है और कई बार नहीं होता है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमने अपने बच्चे का डिटेल तो डाला, लेकिन बच्चे का डिटेल टिकट में शो नहीं हो रहा है। तो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे का डिटेल टिकट में दिखाई नहीं देता। अगर बच्चा 5 से 12 साल के बीच का है और आपने सीट नहीं लिया है तो उसका डिटेल NOSB0 करके दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर आप मोबाइल से डायरेक्ट ट्रेन बुक कर रहे हैं तो किस ऑप्शन में बच्चे का डिटेल भरना होता है। अब बच्चे के साथ एक वयस्क को यात्रा करनी ही है तो आपको अब 4 ऑप्शन दिखेंगे। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है तो पहले ऑप्शन पे टिक करके बच्चे का डिटेल भर लेंगे। अगर आप उम्र 5 से 11 के बीच रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो है अलॉट बर्थ का, वो पहले से टिक होगा। अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो आप उसे कैंसिल करेंगे और बच्चे का हाफ टिकट लगेगा। अगर आप उसे कैंसिल नहीं करते हैं तो बच्चे की पूरी टिकट मानी जाएगी और बच्चे को एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा। इन दोनों ही स्थिति में बच्चे का डिटेल टिकट पे लिख के आएगा। अब अगर बच्चे का हाफ टिकट लगता है तो एक वयस्क के साथ एक ही बच्चा ट्रैवल कर सकता है। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 वयस्क होने जरूरी हैं, अदरवाइज दूसरे बच्चे का फुल टिकट लगेगा। अब कैसे आप बिना एक्स्ट्रा पैसे के अपर क्लास में सफ़र कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इस बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात होगी। आई होप मैंने सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए धनवा तेरी के वंशज को सब्सक्राइब जरूर करें।